इस संसार में आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद करते हैं, और इसके पीछे उनकी सुंदर काया ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करती, बल्कि उनकी विचारधारा उन्हें अजर अमर कर देती है। संसार में अधिकांश व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य का अविचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु जो लोग अपने जीवन को उत्तम विचारों के अनुरूप ढालते हैं, उन्हें जीवन ध्येय की सिद्धि होती है। मनुष्य का जीवन उसके भले बुरे विचारों के अनुरूप ही बनता है। किसी भी कार्य की अच्छी शुरुआत हमारे विचारों से ही होती है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि चरित्र और आचरण का निर्माण विचार ही करते हैं। जिसके विचार जितने श्रेष्ठ होंगे, उसके आचरण भी उतने ही पवित्र होंगे। जीवन की ये पवित्रता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है और उसे जीवन पथ पर ऊंचाई की ओर अग्रसर करती है। वहीं अविवेकपूर्ण जीवन जीने में कोई विशेषता नहीं होती। सामान्यतः स्तर का जीव तो पशु भी जी लेते हैं, किंतु उस जीवन का महत्व ही क्या जो अपना लक्ष्य न प्राप्त कर सके। मनुष्य के अंतःकरण में भले और बुरे दोनों प्रकार के विचार होते हैं। अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार वो जिन्हें चाहता है उन्हें जगा लेता है, और जिनसे किसी प्रकार का सरोकार नहीं होता, वे सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। जब मनुष्य सुंदर विचारों में रमण करता है, तो दिव्य जीवन और श्रेष्ठता का अवतरण होने लगता है। सुख, समृद्धि और सफलता के मंगलमय परिणाम उपस्थित होने लगते हैं। ये बात 100% सच है कि मनुष्य का जीवन और कुछ नहीं, विचारों का ही प्रतिबिंब मात्र है। अतः विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें लक्ष्य की ओर नियोजित करने का अर्थ है जीवन को इच्छित दिशा में चला सकने की सामर्थ्य अर्जित करना, जबकि अनियमित अनियोजित विचार का अर्थ है दिशाविहीन अनियंत्रित जीवन प्रवाह। विचारों को उन्नत कीजिए, उनको मंगल मूलक बनाइए, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिए, और वे आपको स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा देंगे। ध्यान रखें, विचार जोड़ने का कार्य करते हैं, ना कि तोड़ने का। संसार में पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए बहुत कम। पाने के लिए बहुत कुछ तो है, लेकिन उम्र की समयावधि बहुत कम है। इसलिए समाज को कुछ देकर जाने की सोचें और विचारों से बहुमूल्य सुलभ और सरल समाज को देने के लिए और क्या हो सकता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।